मम्मा कैमरे के पीछे से अब आगे आ जाइए oh. <laughs> Hi guys, it's Shivangi. Welcome to my channel. This channel is all about creating and trying out new things. That is why आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं सिर्फ आपके क्वेश्चंस दूंगी एंड उनका आंसर दूंगी बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम हम लोगों ने काफी टाइम से चिटचाट नहीं किया है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू आई लिव सो आई लिव इन नोएडा मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ स्टार्टिंग से ही आई थिंक मैं बॉर्न हुई थी दिल्ली में बट फिर एक साल के बाद हम नोएडा आ गए थे उस टाइम पे जंगल था ये मूविंग ऑन टू माई सेकेंड क्वेश्चन विच इज व डिड आई टेक इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तो मैंने इलेवेंथ ट्वेल्थ में लिया था पी सी एम मुझे नहीं पता था मुझे क्या लेना चाहिए बिकॉज आई वॉज इन श्योर कि मुझे बड़े होकर बनना है माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू बिकम एन इंजीनियर एंड दैट इज़ वाई आई टुक पी सी एम बट थैंकफुली मैंने जब पी सी एम लिया मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मैं इंजीनियरिंग तो नहीं करूंगी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंने कॉलेज टाइम पे कौन सा कोर्स चूज किया था आई एम अ ग्रेजुएट इन प्रोडक्ट डिजाइन चार साल का कोर्स है बड़ा मजा आया था बहुत कुछ सीखा बाय द वे अगर आप में से काफी लोगों को नहीं पता है मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ यूट्यूब इज नॉट माई फुल टाइम आई एम वर्किंग विद मल्टी नेशनल कंपनी एज अ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोग काफी टाइम से पूछ रहे हैं विच इज ज माई चैनल से काफी लोगों को नहीं पता होगा बट मेरे चैनल का नाम पहले था द डिजाइन पैलेट जो की हाल ही में बदल के हुआ है शिवांगी सा and the reason is, मुझे बहुत टाइम से करना था एंड मैं बार बार बस उसे डिले कर रही थी टाल रही थी मैं चाहती थी कि इस चैनल का नाम मेरे नाम से जुड़े बिकॉज अगर लोग इस चैनल को मुझसे एसोसिएट करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा देन डिज़ाइन पैलेट नाम से एंड पता है क्या उस टाइम पे भी मम्मा बी लाइक बेटा अपने नाम का कर ले पता नहीं नहीं क्या था था मेरे दिमाग में मैंने अपने नाम क्यों यूज़ किया था उस टाइम पे बट ठीक है देर आए दुरुस्त आए मैंने अब बदल दिया है एंड एम वे टू क्रेजी तो इंटर्नशिप्स मैंने सारी दिल्ली में करी हुई है बहुत ज्यादा मेट्रो में ट्रैवल करती थी मेट्रो में यूज़ुअली सीट नहीं मिलती है एंड जब हमें बाहर अपने स्टेशन के लिए निकलना होता है तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो मैं उस टाइम पे क्या करती थी एक्ट कि मुझे उल्टी आ रही है एंड मैं एंड फिर लोग मेरे लिए जगह छोड़ देते थे एंड मैं भाग के बाहर चली जाती थी एंड जैसे ही डोर क्लोज होते थे मैं ऐसे करती थी ओके बाय बाय एवरीबॉडी यूज टू गेट शॉक कि ओ माय गॉड व्हाट जस्ट हैपन एंड आई थिंक इसी चीज को मैं बोलूंगी कि मैं बहुत रैंडम क्रेजी चीजें करती थी मेट्रो में जो मुझे अभी याद आ रही है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ए माई फेवरेट स्कूल मेमरी मैं एक ही चीज़ में अच्छी थी विच वर्ट एंड क्राफ्ट तो मुझे लगता है कि मेरी बेस्ट मेमरीज ये होंगी कि मैं स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में एंड सारे बच्चे पढ़ रहे होते थे एंड मैं जाती थी अपना आर्ट का सामान लेके दूसरे स्कूल में कॉम्पिटिशन के लिए आई थिंक वही मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमरीज हैं स्कूल की एटलीस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैन विल आई स्टार्ट वर्किंग विद ऑइल पेंट बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी सो स्टेट so काफी के थे पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी डिजाइन कॉलेज एकदम आर्टिस्टिक या बढ़िया वाले इंसान को नहीं ढूंढ रहा है डिजाइन कॉलेजेस सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितना एफर्ट लेते हो आप कितने हार्ड वर्किंग हो आप कितने स्मार्ट वर्कर हो एट द सेम टाइम एंड आप में कितनी इच्छा है चीजें को सीखने की आई नो अलॉट ऑफ पीपल पर्सनली जिनके ड्रॉइंग स्किल्स वर बैड बट स्टिल उनका अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हुआ द रीजन बींग उनमें एक अर्ज थी कुछ सीखने की कुछ नया ट्राई करने की वो ये नहीं देखते कि कोई एम एफ हुसैन अगर आके बैठ जाए तो वो उसको डिजाइन कॉलेज में ले लेंगे नो इट्स नॉट लाइक दैट सो आई थिंक दिस इज अथ कि तुम्हें एकदम परफेक्ट होना चाहिए ऐसा नहीं होता यार मैंने कितने लोगों को देखा है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच इज वेन विल आई ब्रिंग सा मम मा इस चैनल में में के बारे में जितनी बातें हुई है ना मतलब मुझे नहीं लगता किसी और चैनल में किसी और की मदर को लेके इतनी बातें होंगी जितनी शाम अम्मा को लेके हुई है फाइनली आज मैंने शाम अम्मा को मना लिया है मम्मा कैमरे के पीछे से अब आगे आ जाइए धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने कदम चारा और अगर आपको लग रहा है कि मैंने ड्रामा किया अभी कैमरे के सामने तो मम्मा आप बताओ क्या मैं ये ड्रामा कर रही हूँ कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं ड्रामा नहीं ऐसी करती है सो आई थिंक आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो मुझे पता है मम्मा आपको कैसा फील हो रहा है बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है मुझे क्यों बुला लिया यहाँ? डिस्क्लेमर मम्मा फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आ रही हैं और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे आपको पता होगा कि मैं कितनी ऑकवर्डली खड़े होकर बोलती थी हाय गाइस शिवांगी वेलकम टू माय चैनल तो आप सोच सकते हो कि मम्मा को कितना ऑकवर्ड फील हो रहा होगा एंड मे बी टाइम लगे थोड़ा कंफर्टेबल होने में बाय द वे मैंने अपना माइक ऐसे मम्मा क्या आप पकड़ सकते हो प्लीज नहीं uh -huh. रुको मे बी मैं इसको देख रहे हो कितनी टेक्निकल डिफिकल्टीज है हमें गाइस लाइफ में ठीक है सेकंड क्वेश्चन इज आप क्यों देख रहे हो यार बेसिकली आपने कैसे रिएक्ट किया था जब आपको पता चला कि आपकी बेटी का YouTube चैनल है मुझे बहुत अच्छा लगा

घर एकदम पहाड़ के बीच में होता था तो हमें सारा सामान लगेज नीचे कैरी करके जाना होता था एंड आई रिमेम्बर सब लोग हेल्प करते थे अपने कंधों में अपने सर पे अपने हाथों में बैग्स कैरी करके लेके जा मुझे बहुत मुझे ऐसा हाँ। लगता था यार कोई इतना हेल्पफुल टाइम कच्चे आम यार हाँ ये भी एक मेमोरी है जो मुझे बहुत पसंद है कि कच्चे आम लटके होते हैं मतलब यूट बिलीव हमारे दादी का जो पेड़ है उसमें लास्ट टाइम 800 आम लगे थे याद है मोम हंड्रेड्स ए हंड्रेड्स हां छोटे और इतने, इतने मीठे और इतने प्यारे-प्यारे और अलग-अलग प्यारे मो तो अलग तो अलग मुझे कच्चे भी पसंद है हाँ, सारे अलग-अलग ऐसे अलग कैरी की तरह खा के का अमेजिंग यार आपको आना चाहिए बताओ उत्तराखंड बड़ा मस्त होता है हम एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज माय फेवरेट फ्रूट अह पाइनएप्पल पाइनएप्पल डैडी क्यों हंस रहे हैं इसमें हंसने की क्या बात है यार? Fruit, fruit का है। हाँ. हाँ. Okay. तो यारूट फ्रूटी क्या बता दो बता आपको, आपको दो ने बचपन से ओके गाइस सो बहुत हो चुका है सा मम्मा कितनी प्यारी कितनी प्यारी पर आपको पता है नहीं है मम्मा ने मुझे बचपन में कितना टॉर्चर किया है मैं जब रोती थी कि मुझे तोरी नहीं खानी मुझे लौकी नहीं खानी तो मेरी मम्मा बोलती थी जिसे इस घर में रहना है उसे जो मैं बनाऊंगी वो खाना पड़ेगा क्या वैसा बोलती <laughs> <laughs> क्या, क्या रही है कि नहीं क्या गाइस ये प्योर टॉर्चर नहीं है कॉमेडी कमेंट सेक्शन में बत, जरूर बताना क्योंकि ये प्योर टॉर्चर है एंड दैट इज व्हाई आई थिंक जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं कॉलेज में भी जो बहुत नखरे करते हैं मैं ये नहीं खा सकती वो नहीं खा सकती इसमें से टमाटर उसमें और मुझे ऐसा लगता है भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ, क्योंकि डेवलप हो गया ना टेस्ट <laughs> डेवलप हो गया बचपन से जो टॉर्चर हुआ है टॉर्चर कुछ नहीं हुआ टॉर्चर है ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज माई फेवरेट कलर कलर पिंक Yes. एक आया था मेरी जिंदगी में कि मेरे पास ऑलमोस्ट सारे कपड़े पिंक कलर के हो गए थे आपको याद है कि नहीं पिंक लाइट पिंक पिंक एनी वे मूविंग ऑन टू और नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है तो ये क्वेश्चन मुझे पता है आप में से काफी लोगों के अंदर ही अंदर होगा बट आप लोग पूछते नहीं हो विच इज क्या जो मैं कैमरे के सामने हूँ एज अ पर्सन क्या मैं ऑफ कैमरा वैसी हूँ कि नहीं सो आई थिंक मैं इसके बारे में बात करू उससे बेटर है मम्मा अगर इस बारे में बात करें तो बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगी हाँ। लेकिन है ऑफ कैमरा भी है ये हाँ। जॉली नेचर है लेकिन गुस्सा भी आ जाता है इसको। तो गुस्सा इज नॉर्मल वो ह्यूमन इमोशन राइट बट बट नहीं मम्मा मम्माइन एक, हाँ। एक मिनट मेरी वजह से इस घर में फन है अदरवाइज इस घर में कोई फन नहीं है ये मानती हो कि नहीं हाँ तो सब बिजी रहते हैं ना देखा देखा देख देख रहे हो देख रहे हो हो गाइस और ये ये पता है 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 क्या जब इसको अच्छा लगता है ना तो ये बच्ची बन जाती है, और कुछ इसको अच्छा नहीं लगा होगा इसको अपना काम करवाना होता है तो मुझे बच्चा बना लेती है तो हमारा रोल रिवर्सल होने लग गया है गाइस की मैं मम्मा को ऐसे ट्रीट करती हूँ जैसे की वो मेरी बच्ची है एंड मैं उनकी मम्मा होती हूँ हमेशा होता है इसको मजा आता है लेकिन मुझे गुस्सा आता है नहीं <laughs> देखो ऑफ कैमरा मम्मा जैसे कर रही है ना कैमरा ऑन होते ही उनको लग रहा है ये डाल ना दे गलती से तब मैं चुप हो जाती हूँ हाउ डू आई स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड इन रियल लाइफ जब कोई चैलेंज होता है चैलेंजिंग सिचुएशन में ये अपने आप मोटिवेट हो जाती है चैलेंजिंग सिचुएशन क्या मतलब हाँ मतलब मुझे ये करना है तो करना है हाँ ये काम करना है तो करना है बट ममा इस जो अभी मेरा फील्ड है जो मेरा करियर है जैसे मैं ux में हूँ मैं साइड बाई साइड यूट्यूब भी मैनेज कर रही हूँ सो हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड ये तो उसके लिए कभी बोर नहीं होती है कभी बोर नहीं होती है और तो इतनी एक्साइटेड होती है देखो देखो इसको ऐसे करते हैं इसको ऐसे करते हैं एंड मैं समझाने का भी बहुत ज्यादा ट्राई करती हूँ अपने प्रोफेशन yeah. को अपने पेरेंट्स hmm. को भी क्योंकि उनको भी थोड़ा कम समझ आता है बिकॉज वो ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर वाले बैकग्राउंड से एंड डोंट रियली अंडरस्टैंड वॉट डिजाइनिंग इज तो बोलते अच्छा करती क्या काम क्या बेटा एंड मैं बहुत एग्जाम्पल्स देके ट्राई करती हूँ समझाने का एंड आई थिंक काफी इन्हें क्लैरिटी मिली है hmm. अब वो क्लैरिटी आपको तब पता चलेगी जब आप मम्मा और डैडी से इन पर्सन फिजिकली मिलोगे और आप बोलोगे आपकी बेटी क्या करती है तो आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे ओके सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आर एंड काफी लोग जैसे कि मम्मा आपको भी पता है मैं एक कोर्स डिजाइन कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग बहुत ही अपना ऐसे होता है ना तन मन धन लगा के मैं उस कोर्स को डिजाइन कर रही हूँ बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं दिन रात उसके पीछे मेहनत कर रही हूँ उसकी डिटेल्स मैं इन फ्यूचर आपको वीडियोस में डेफिनेटली देने वाली हूँ बट अभी के लिए आई के नॉट टॉक अबाउट इट मोर बट हाँ इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें आने वाली है और आपके लिए सचमुच में आप इन्जॉय करोगे मेरी मम्मा कितनी अच्छी मार्केटिंग करती है मेरी हाँ मार्केटिंग नहीं मैं सचमुच बोल रही हूँ तो आपको कैसा फील होता है कि आपकी बेटी आपको इतना प्यार करती है होगा. मम्मा फिर इस हफ्ते हम वीडियो अपलोड ही नहीं करेंगे अगर आप नहीं आ रही हो तो सब so, कॉमेंट करके बताना नार मम्मा को की आपको कैसा लगा उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा लेकिन शिवांगी की ड्रॉइंग तो आपको मालूम है कैसी है लेकिन जो आपके कमेंट्स होते हैं ना सचमुच बहुत अच्छा लगता है मतलब संडे मंडे तो मैं पूरे टाइम आपके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ पहले भी बताया और मोटिवेशनल होते हैं आपके कमेंट्स सचमुच में थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड जो एक लाइक वो होता है ना हर कॉमेंट में वो इनका ही होता है मेरा तो होता ही है <laughs> ही है वो, ही है इनका यही यही वो वो लॉट टू अस एंड मे बी इन फ्यूचर जब हमारे थोड़े और बड़े बड़े माइल क्रॉस होंगे मैं डैडी को भी लेकर आऊंगी और एंड फिर हम करेंगे धमाल <laughs> <laughs>